पुनः हम लोग जैसा कि P1, P2 और P3 यानी तृतीय मतदान पदाधिकारी जो कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे, कंट्रोल यूनिट का सेगमेंट है ये डिस्प्ले बोर्ड होता है ना, डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले पर ही सारी कार्रवाइयाँ हैं। साथ ही साथ एक होता है बैटरी सेक्शन और कैंडिडेट सेक्शन, हम लोग पूरा जो ओरिजिनल हम लोग EVM के द्वारा चर्चा करेंगे लेकिन समझने के लिए। और यहाँ पर होता है क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, CRC ये रहता है, इस पर सीलिंग होती है। और वोटिंग के दौरान मात्र टी और बी पर काम करेंगे, टी स्टैंड करता है टोटल के लिए, टोटल, और बी फॉर बैलेट, यानी इसी दो बटन पर मतदान के दौरान कार्य किया जाता है, टी और बी। जब चाहे आप टोटल दाब दें, आपको डिस्प्ले पर आ जाएगा बोर्ड पर कि इतना वोट गिर गया है, और बैलेट में यहाँ पर रेड लाइट जलेगा और भीतर कंपार्टमेंट में वह वोट दे देगा, रेड लाइट बुझ जाएगी, बीप बीप की आवाज होती है और इस तरह ये काम होता है। तो इसको कंट्रोल यूनिट जो टी और बी पर ये ध्यान रखना है, ये P3 का काम है कि उनके सामने कंट्रोल यूनिट लगी रहेगी। P2 ने P1 P2 वोटर अब आ गया, ये P3 यानी वोटर जो है P1 के पास गया, उसके बाद P2 17 ही मेंटेन किया, P3 के पास आया तो उसके पास कंट्रोल यूनिट है, वह उसका प्रभारी है और उसके पास एक झोला अपना रखता है बैग, कि ये जो P2 ने पर्ची दिया, वोटर को तब तक पास नहीं होने देंगे जब तक वह पर्ची नहीं लाएगा, यानी बैलेट यानी वोट करने का अधिकार उसको तब तक नहीं है जब तक वह वोटर अपने साथ पर्ची नहीं ले। और साथ ही साथ एक इतनी ध्यान देंगे कि स्याही लगी है कि नहीं ये भी देख लें, ये जरूरी होता है कि कहीं छूट जाए तो दो दो भाई होता है, एक उनके पास भी रहता है जिसका यूज कर सकते हैं, भाई देवे कहीं छूट गया। तो इस तरह P3 जो है पर्ची को सुरक्षित रखते हैं, पर्ची को सुरक्षित रखेंगे और साथ ही साथ जिन ही पर्ची को सुरक्षित करेंगे ये बैलेट को दाब देंगे और यहाँ पर रेड लाइट बढ़ जाए जल जाएगी और वह भीतर कंपार्टमेंट में जो जाकर के जहाँ पर VVPAT और साथ ही साथ बैलेट यूनिट है उस बैलेट यूनिट पर इच्छानुसार अपने कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं और इस तरह बीप की आवाज़ होगी और आवाज़ के पश्चात उसकी वोटिंग समाप्त हो जाएगी। और इस प्रकार दिन भर 7 बजे से 6 बजे चुनाव आयोग का जो कहना है वोटर आते रहेंगे जाते रहेंगे, P1, P2, P3 और इस तरह प्रक्रिया यह चलती रहेगी। और अंत में हमारा P3 का एक तरह से P1, P2 और P3 के कर्तव्य को बखूबी हम लोग जान चुके, अब हम लोग पीठासीन पदक